आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त तनवीर अख्तर, अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ इंदौर में, स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में चल रहे हैं इंडियन आइडल के ऑडिशन, और मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी टैलेंटेड लोग जो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, और आई थिंक ये लोग इंदौर से ही हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग ओके, तो एक बार चिल्लाइए आई एम इंदौर, आई एम इंडियन आइडल। दोस्तों ये लोग इंदौर के हैं और इंडियन आइडल बनने वाले हैं। मैं वन बाय वन इन लोगों के पास जाऊंगा और इन लोगों का जो टैलेंट है वो परखूंगा। आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर रखा होगा अंदर के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, छोटी मोटी नहीं है, इंडिया लेवल की अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के हर स्टेट से हज़ारों लोग चुने जाएंगे, जिनमें से लिमिटेड कुछ 10-12 लोग चुने जाएंगे, तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है। तो वन बाई वन चलते हैं इन लोगों के पास। तो सबसे बेस्ट कौन सिंगर है आप लोगों में? आप आइए सर। सर क्या नाम आपका? नेपाल सिंह तोमर। नेपाल सिंह तोमर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नेपाल सिंह तोमर जी, क्या आप सिंगिंग कहाँ से आपको पता चली कि मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है? सर मैंने पहले भी कंपटीशन में भाग लिया है। ओके। और ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के अकोदे में एक बार कंपटीशन हुआ था, उसमें भी मैंने गीता को बनाया। मतलब काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, मतलब सिंगिंग को लेकर। फिलहाल अभी अंदर के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया? क्या बात है, राहत सर जी का नाम सुनते ही रुए खड़े होने लग जाते, गूज़बम्प्स आने लग जाते, क्योंकि काफ़ी सुरों के सरदार, सुरों के बादशाह कहा जाता है उसको। तो अभी हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, इनके लिए एक वही वाला जो परफॉर्मेंस आप देने वाले हो सर, दे दीजिए। ओके, तालियां रख देनी चाहिए। कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी कट मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, ना तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, उतरना भी जरूरी था। बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड। मज़ा आ गया है, मतलब आप तो काफ़ी टैलेंटेड बंदे लग रहे हो, अंदर आपको तो लग रहा है कि फाड़ हो गया, मज़ा लाभ हो गया आपको, बहुत अब बेस्ट की तरफ से। नेक्स्ट कोई है जो बढ़िया टैलेंट, अभी तो लड़कों में भी टैलेंट आपको, मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की आके बढ़िया सा टैलेंट लिया। क्या नाम आपका? सोनम जी के लिए तालियां एक बार। भैया तालियां बजती रहेंगी, हौसला बढ़ता रहेगा, है ना, तालियां हौसला बढ़ाती हैं, इसलिए तालियां रोकना नहीं चाहिए, इवन जब सिंगिंग करें तब भी। हाँ, हमारे बीच में सोनम जी मौजूद हैं। सोनम जी का मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टैलेंट है, इनको देख के, इनके जोश को देख के लग रहा है मुझे कि अच्छा बढ़िया वाला परफॉर्मेंस देने वाली है अंदर। तो आइए सोनम जी से पूछते हैं कि वो कैसे सिंगर बनने के, सिंगर बनने का उनके अंदर कैसे जुनून आया। सोनम जी बताइए आप। एक्चुअली मुझे बचपन से गाने का शौक था, लेकिन आपका तो मैंने स्कूल में भी पार्ट लिया था, उसमें कि फर्स्ट वाली से और बढ़िया नहीं मुझे गाना चाहिए, तो मैं जब बच्चे की मदद सीखना पड़ गया कि बढ़िया गाना अप्रोच करने का मन हुआ था। और आपको तब लगा कि मैं गाना गा सकता हूँ? तो गाना गाने के लिए आप जब कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आप गाने सुनती थी, गाने की कोशिश करती थी, बार बार सुनने की कोशिश करती थी कि क्या है और कैसे गा रहे हैं, मतलब ऊंचा गाना है। चलो ऑल द बेस्ट, हमारे दोस्तों को कुछ दो चार लाइन सुनाएंगे आप? बिल्कुल। दोस्तों तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हाँ मैंने कहा ना, तालियां बजती रहेंगी, हौसला बढ़ता रहेगा। मैं तो भाजी हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्या बात है, तालियां एक बार।
इसके अलावा तो दोस्तों जैसा आपने इनको सोनम जी को सुना, ऐसा कई सारा टैलेंट है जो बहुत दूर दूर से हमारे शहर में आया है ऑडिशन देने इंदौर में, और मतलब ऐसा देख के लगता है कि मुझे टैलेंट की कहीं भी कमी नहीं है, चारों तरफ टैलेंट कूट कूट के भरा है, क्योंकि हम इंडियंस में होता ही है बहुत सारा टैलेंट। ऐसे ही एक टैलेंट लेके आ रही है मैम, आपका नाम क्या है? माया चौहान जी आ रही हैं, आइए मैम। माया चौहान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए दोस्तों। तो आप कहाँ से आए? मंसो जी। मंसो कितना पड़ता है यहाँ से? मतलब यहाँ से 300-400 किलोमीटर का, मतलब 400 किलोमीटर का सफ़र दे करके ये आई हैं, रात भर ट्रैवलिंग की है, सुबह सुबह यहाँ आ गई, तो सोचो क्या इनके अंदर जोश होगा, क्या जुनून होगा। तो आइए दोस्तों ऐसे जुनून के साथ इनका सॉन्ग जो प्रिपेयर करके आइए वो सुनते हैं। क्या बात है, मज़ा आ गया, मतलब आपको देख के लग नहीं रहा था कि इतनी शानदार इतनी भारी वॉइस होती है आपकी, बहुत अच्छा लगा, और सॉफ्ट वॉइस से आप अंदर जाइए, पार दो, ऑल द बेस्ट है ना। और नेक्स्ट कोई बंदा आप आइए, क्या नाम आपका? सम्राट पांडे जी के लिए एक बार तालियां बजा दो। मैंने कहा है तालियां बजनी चाहिए क्योंकि हौसला बढ़ता है ताली होता है ना। तो सम्राट जी क्या सुनाने वाले हैं आप? चलो बढ़िया वाला सॉन्ग है, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा लाउड गाएं क्योंकि हमारे कैमरा मैन को, हमारे साथ हमारे कैमरा दादा मौजूद हैं, उन्हें आवाज़ नहीं आ रही आपकी है ना, रिकॉर्ड होगी तो मज़ा आएगा, ठीक है, थोड़ा लाउड। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। क्या बात है, सारी मतलब आपका गाना तो बहुत अच्छा है, दादी गाने की स्टाइल भी बहुत अच्छा, साथ में डांस भी करते हैं, डांस वाले तो हो गया आपको अच्छा, चलिए कोशिश करते रहिए, ऑल द बेस्ट आज के लिए है ना। थैंक यू सो मच, आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप काफ़ी टैलेंटेड बंदे लग रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाले हैं ना। क्या नाम है आपका? हर्ष जी के लिए तालियां बजा दो, एक छोटा जरूर है लेकिन मुझे लग रहा है दमदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं ये अंदर। हर्ष जी क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। क्या सब्जेक्ट है आप? तो आपको कैसे पता चला कि यार मैं मतलब सिंगर बन सकता हूँ? तो बचपन में पता लग गया था कि अभी भी पता चला? अरे क्या बात है सोनू निगम जी को आप भगवान मानते हैं आपका, ऑल द बेस्ट आपके लिए, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा आपका, हमारे दोस्तों का परफॉर्मेंस करके बता देंगे। ओके ओके ओके, तालियां भैया तालियां। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानो कहीं ना कहीं,
क्या बात है यार, मजा आ गया। मतलब तुम अंदर जीत के आओगे, मेरे को अंदर से एक आवाज आ रही है, वो बोल रही है कि ये बंदा तो जीत के आएगा, है ना। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल मजे ला दूँ, है ना। ठीक है, और कोई बंदा है जो लाउड गाता हो? लाउड गाने वाला कोई बंदा है? आप लाउड गाते हैं? गोकुल जी आपका स्वागत है मेरे शो में, इसका नाम है इंडिया दर्शन। गोकुल जी आप कहाँ से आए? दोस्तों ये शो का लास्ट सॉन्ग है और भैया काफी टैलेंटेड लग रहे हैं मुझे। आखिरी सॉन्ग बिस्कुट दे दिया ना, केला दे दिया ना, फटाफट सुनियो ओ सुनियो, तुझे देखता सोचता हूँ जो अंदर जाके काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और यहाँ से मुझे लगता है एक इंडियन आइडल सिंगर मुंबई तक जरूर जाएगा। तो मेरी विशेष इन लोगों के साथ है, ऑल द बेस्ट, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडिया दर्शन भी तस्वीर रखें, अपना ख्याल रखें।